भाई लोग, स्वागत है एक नए खतरनाक वीडियो के अंदर। एकदम वायरल होने वाला है भाई। प्लीज़ वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, लोगों तक तो गाना पहुँचे, मेरे व्यूज़ बढ़े और मैं भी अच्छा अच्छा जो है कंटेंट आपको दे सकूँ। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो भाई लोग, बात करते हैं कर्मा के गूगल पे गाने के बारे में। अरे भाई, ये सब रैपरों को हो क्या गया है? सब लोग एक ही लाइन में रैप करते जा रहे हैं, लोग पब्लिक भी ज़्यादा है बोर। थोड़ा R&B डालिए अपने गाने के अंदर, गाने को थोड़ा अच्छा बनाइए, रैप को थोड़ा अच्छा बनाइए। सब लोग जो है एक ही तरह से रैप करते जा रहे हैं, वही फ्लो, वही सब कुछ। तो पब्लिक जो है बोर हो जा रही है, इसलिए गाने को जो है ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है गाना, और मज़ा नहीं आता गाना सुनने के लिए। तो कर्मा का गाना भी वैसा ही था, मज़ा नहीं आया मेरे को बिल्कुल भी। गूगल पे ये क्या गाना बना दिया यार? थोड़ा गाने में थोड़ा सेंस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, रैप का स्किल होना चाहिए, थोड़ा मतलब पब्लिक को पसंद आना चाहिए गाना का, बजाना चाहिए गाना। पब्लिक बजा रही नहीं है तो मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कर्मा, ये तू क्या कर रहा है? तेरे कर्म क्या कर रहे भाई? कलमकार में ये सब बेंचुत गधे रैपर भरे गया क्या? सॉरी गलत वर्ड यूज़ करने के लिए, बट चूतिया तो है MUA। MUA के ऊपर चूतिया गाना निकालने वाला, फटाफट जाके देख लिया। और बात करती रिएक्शन के बारे में, रिव्यू के बारे में, कर्मा का गूगल पे जो गाना है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस, बिल्कुल मज़ा नहीं है गाने के अंदर। रैप उसने लिखा अच्छा है गाना, बट फ्लो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेम जैसा नॉर्मल गाना चलता है, सबका गाना चलता है वैसे ही उसका गाना, इसलिए मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया गाने को। मैं दूंगा खाली 1 स्टार। आपका व्यू क्या है इसके बारे में कमेंट करके बताइए, एंगेजमेंट बढ़ाइए चैनल का। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए।